हेर के बुझेगी Whoa!
फर्ज दुखों में दूर रहने का हो से ना भाई का फर्ज दुखों में वे अलग रहने का हो से ना भाई का फर्ज दुखों में वे अलग रहने का हो से कृष्ण कहा निभाया था तने रे 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 कृष्ण कहा निभाया फर्ज बताइए चीर द्रौपदी चीर द्रौपदी बैठा दिया तू मन आसान भुलाइए चीर द्रौपदी बैठा दिया तू मन आसान भुलाइए इसी प्रकार से कौरवों की सेना जुड़ी हुई थी दरबार सजा हुआ था हाँ। शायद उस रोज को तुम भूल चुकी हो द्रौपदी मैं तो कुछ नहीं भूली हूँ कन्हैया हाँ। मुझे तो हर एक पल याद है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ भूल गए हो अच्छा हाँ ऐसा भी कुछ बात एहसान की करते हो अगर एक भाई ने अपनी जाती हुई बहन की आबरू को बचाया तो तुमने एहसान का नाम दे दिया अगर बात एहसान की है तो एहसान तो मैंने भी तुम्हारे ऊपर कर रखा है और क्या कर रखा है तुम भूल गए हो तो मैं याद दिलाती हूँ कहिए अपनी बात सुनिए कहिए
चाहती हूँ, क्योंकि आज आज तुम मेरे पटड़े पर खड़े होने के लिए आ गए हो, लेकिन आपको अपने भाई वाले फर्ज कोई याद नहीं है। अगर तुम मेरा भात भरना चाहते हो तो भात जैसा मैं चाहती हूँ, अगर ऐसा भरना चाहते हो तो फिर आप रुक सकते हो, वरना तो यहाँ से जा सकते हो। जैसा तुम भात चाहती हो, हीरे मोती जवाहरात कानी मणि, आज जो भी तुम्हारी मनसा हो मांग सकती हो। अच्छा, हाँ कुछ भी मांग सकती हो, कुछ भी मांग सकती हो। पहले मेरी बात को सुनिए जरा, कहिए सुनिए। मन पहले कैसा रूप किया रे, पहले कैसा रूप किया मेरे, खुले बाल देख ले ज्यादा को नाटे में तू पूरे हुए सवाल देख ले। जान गई कंगाल तू जग में, क्या कंगाल देख ले। घाटे में घाटे में अरे घाटे में रह जागी भात की करके डाल देख ले। घाटे में रह जागी भात की तू करके डाल देख ले। राना चाहिए धनुमान देख ले, राना चाहिए धनुमान देख ले, मत पाछे पछताइए। साफ साफ अरे साफ साफ कह दे बहना दे हाँ। लेकिन मुझे कुछ अलग तरीके का भात चाहिए कन्हैया, कुछ अलग तरीके का भात चाहिए। हाँ। लेकिन जैसा भी भात चाहती हो द्रौपदी, आज ये तेरा भाई कृष्ण हर तरह का भात भरने के लिए तैयार है। जैसा भात मैं चाहती हूँ वैसा भात भर दोगे? हाँ। तो फिर सुनिए मुझे किस तरीके का भात चाहिए, कहिए अपनी बात। सुनिए और इस भात की रागनी पर खुश होकर के, इस भात की रागनी पर खुश होकर के मेरे बड़े भाई अनमोल प्रॉपर्टीज भाई वीरेंद्र प्रधान जी, जी हाँ भाई वीरेंद्र प्रधान जी, जिनका प्यार व आशीर्वाद हमेशा इन कलाकारों को मिलता रहता है। भाई 500 रुपए देकर के हमारी टीम को सम्मानित करते हैं, भाई के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। कहिए द्रौपदी सुनिए। तीन वचन दिख तीन वचन भर दे छलिया, परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद सैन लाला खेड़ली, उनकी तरफ से 500 रुपए इस भंडारे में दिए गए हैं और 100 रुपए हमारी पार्टी को देते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय राजेंद्र जी चोहड़पुर, उनकी तरफ से 1100 रुपए। तेज राम नंबरदार नाई नंगला, उनकी तरफ से 500 रुपए भंडारे में और 100 रुपए हमारी पार्टी को दिए, बार बार धन्यवाद। और भाई अगर ये भात की रागनी आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के सम्मान में हो जाए, जोरदार ताली। कन्हैया हाँ, इनको अच्छी लग सकती है लेकिन मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अच्छा। मैंने तुमसे तीन वचनों का भात मांगा है लेकिन उसमें भी तुमने छल कर दिया। वचनों का भात तो तुमने मांगा है द्रौपदी, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि 18 अक्षौणी दल का तुमने खून मांगा है। हाँ मांगा है। क्या तुम्हें ये जानकारी है कि 18 अक्षौणी दल कितना होता है? जितना भी होता होगा यहां से लेके वहां तक। हाँ।
वहां से लेके यहां तक। अच्छा, और ये पीछे वाले भी और मंच वाले भी। अच्छा हाँ, क्या फिर इनका क्या? हम भी और तुम भी सारे 18 एक्सोनी दल में आते हैं। अच्छा, क्या सारे संसार का नाश चाहती है बहना? हाँ चाहती हूँ नाश। अच्छा हाँ, लेकिन तुम कैसे बच सकते हो? क्योंकि मैंने वचन मांगा है और आपने स्वयं को भी बचा लिया, पांचों पांडवों को भी बचा लिया। और भात मरने की बात करते हो, ना लड्डू ना मिले ना दावत मिले, भूखे मरो तुम। तीन वचनों का भात लिया है तुमने, एक वचन मैंने जो फुरौती के रूप में वापस लिया है, क्योंकि हमारी माता बहने भी जानती है भात के बाद जो फिरौती होती है, भात फेरना भी पड़ता है। पता होता तो भाई का भी होता है, पता होता तो वचन ही नहीं भरती का नहीं आ। अच्छा, तुम्हें तो यहाँ से मैं धक्के मार के भगा देती। और भी कुछ कहना चाहती हूँ? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, तो अपनी बात सुनिए मेरी बात। तेरी फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था, मारी चोट को ढाली दूर तेरी चल। और सूरज ने ली मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने बेटा बहू ने मांग लिया, और जान मांग नैयारों ने बेटा बहू ने मांग लिया, और जान मांग नैयारों ने सूरज ने नहीं मांग रोशनी, सूरज ने नहीं मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने बेटा बहू ने मांग लिया, और जान मांग नैयारों ने और बेटा बहू ने मांग लिया, और जान मांग नैयारों ने। भाई मोर ने ता शीश पे मांगा, विषयर ने फन मांग लिया, कायर ने तो डर मांगा, और छतरी ने रण मांग लिया, कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया, और गृहस्थी ने बालक मांगे, पर साधु ने बन मांग लिया, कीड़ी ने तो कण मांगा, और हाथी ने मन मांग लिया, वो कीड़ी ने तो कण मांगा, और हाथी ने मन मांग लिया, और भूखे ने अन्न मांग लिया रे, भूखे ने अन्न मांग लिया, धन मांगा सौगारों ने बेटा बहू ने मांग लिया, और जान मांग नैयारों ने बेटा बहू ने मांग लिया, और जान मांग नैयारों ने। वो फूल पत्ते हो, वनस्पति हो, या इंसान हो, या देवी देवता हो, सभी ने अपने अपने लिए कुछ ना कुछ चीज जरूर मांगी है। आइए दूसरी बात के माध्यम से ये बता दिया, लिख दिया। और फूलों ने खुशबू मांगी, और धरती ने मांगा दाना, प्यास ने पानी मांग लिया, और भूख ने मांग लिया खाना, प्यास ने पानी मांग लिया, और भूख ने मांग लिया खाना, इस बुद्धि ने विद्या मांगी, और सुर ने मांग लिया गाना, मेहंदी ने रंग मांग लिया, पर बिना पिसे रंग ना आना, वो मेहंदी ने रंग मांग लिया पर आशिक ने मांगा वीराना, आशिक ने मांगा वीराना, लई रौनक मांग बाजारों ने बेटा बहू ने मांग लिया, और जान मांग नैयारों ने बेटा बहू ने मांग लिया, और
जान मांग नहीं यार होने और शेर ने ताकत मांग लई कोई और नहीं उसके सर का कद कुंजर ने मांग लिया बे सुरा संग बाजे खर का कद कुंजर ने मांग लिया बे सुरा संग बाजे खर का कस्तूरी हिरण ने मांग लई कैसा अजब तमाशा है हर का सुरत सुरतिया मांग रहे जा उड़े पखे रुबे पर का सुरत सुरतिया मांग रहे जा उड़े पखे रुबे पर का और सत्यानाश हुआ घर का रे सत्यानाश हुआ घर का नई दवा मांग बीमारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया और बेटा बहू ने जान मांग लई यार होने और जिन्होंने हमेशा जो एक पिता की तरह हमें अपना लाड दिया प्यार दिया दुलार किया बचपन से, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो बहुत सारे गुरुओं से मुलाकात होती है। हमारे गांव के स्कूल में लगभग 12-13 साल, हाँ जी लगभग 12 साल जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, हमारे पिता तुल्य अंकल जी प्रेमपाल जी जो गांव भरावटी से चल के यहाँ पहुंचे, हमेशा अपना प्यार व आशीर्वाद देते रहते हैं। 50 रुपए देकर के हमारी टीम को भी सम्मानित किया है। वे अंकल जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए, जोरदार ताली। आइए चौथी बात के माध्यम से के बता दिया और के लिख दिया। भाई चौथा रतन देव काले के पाप मांग लाए पापी, लोग अधर्मी अधर्म लेके इंसाफ मांग लाए इंसाफी, लोग अधर्मी अधर्म लेके इंसाफ मांग लाए इंसाफी। और मिलक सदलापुर की बटिया मैंने रात दिनो नापी, जो कुछ मांग दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के कापी, जो कुछ मांग दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के कापी। उस पीरू ने मांगी माफी रे, पीरू ने मांगी माफी, कविता मांगी कवितारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। और सूरज ने नहीं मांग रोशनी, सूरज ने नहीं मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने।